नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस खास यूट्यूब चैनल अक्षत ब्लॉगर में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग नए हैं प्रीमियर प्रो में, लाइक जिन्होंने आज से पहले एडोब प्रीमियर प्रो यूज नहीं किया है और उन्होंने काइंड मास्टर या फिर फिल्मोरा आज से पहले यूज करा है। देखिए मैं बता दूं, काइंड मास्टर और फिल्मोरा जो है वो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, लाइक बिगनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट आप अगर प्रोफेशनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स एंड फाइनल कट प्रो, देयर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स व्हिच यू कैन यूज। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडोब प्रीमियर प्रो एंड कैसे हम उससे वीडियो इम्पोर्ट करते हैं, कैसे सॉन्ग को अप्लाई करते हैं, कैसे सिक्वेंस क्रिएट करते हैं, कैसे लास्ट में प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, इस सब हम बताएंगे। क्योंकि शुरुआत में बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे हम प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर, फाइल्स को कैसे इंपोर्ट करेंगे, बाद में कैसे खत्म होने के बाद कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे मर्ज करेंगे दोनों क्लिप्स को, तो ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन टू द वीडियो। सो सबसे पहले हम खोलेंगे एडोब प्रीमियर प्रो का सेटअप। सो This is the setup of Adobe Premiere Pro and यहाँ पर दो ऑप्शन हो रहे हैं, ओपन प्रोजेक्ट का, एक न्यू प्रोजेक्ट का। तो हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, तो अपने में प्रोजेक्ट का नाम दूंगा, कुछ भी नाम दे रहा हूं, लाइक WYLD वाइल्ड। ओके, एंड ओके पर क्लिक करने के बाद पूरा पैनल खुलेगा और वहां पर हम करेंगे एडिटिंग। ये देखिए पैनल खुल के तैयार हो गया है। वहां पर कई सारे ऑप्शन है, फाइल, एडिट, क्लिप, सिक्वेंस, मार्कर्स, ग्राफिक्स, व्यू, विंडो, हेल्प, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। एंड देर आर अ लॉट ऑफ ग्राफिक्स, इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, ऑडियो ट्रांजिशंस, वीडियो ट्रांजिशंस, अ लॉट ऑफ। ओके, सो हियर इज द ऑप्शन ऑफ इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। ओके, यहाँ पर हम अपनी क्लिप्स को इंपोर्ट करेंगे, देन हम एडिटिंग आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसे डबल क्लिक करना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया। अब हमें जहाँ से फाइल उठानी है वहाँ से हम चलेंगे, तो यहां से हम क्लिप उठाएंगे। ये देखिए, चलिए हम इस वाली क्लिप को उठा लेते हैं, इस वाली क्लिप को हम यहां से उठा लेते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इस क्लिप पर ही डबल टैप करना है ताकि हमारा प्रोजेक्ट यहां पर खुले आके, और उसके बाद हमें जितना भी शॉट लेना है उसको हम आई एंड ओ, इन एंड आउट से कर सकते हैं। लाइक हमें यहां से लेना है शॉट, यहां से, तो फिर हम आई दाब देंगे और उसके बाद जहां तक हमें लेना है, लाइक हमें यहां तक लेना है, तो हम फिर ऊपर यहां पर क्लिक कर देंगे, इतना शॉट हमें उठाना है। और फिर हम इसको, अगर हमें ऑडियो सही चाहिए तो हम इस क्लिप पर क्लिक करके इसको सीक्वेंस में लाएंगे, और अगर ऑडियो नहीं चाहिए तो फिर हम यहां पर क्लिक करके इसको लाएंगे। अब हमारा ऑडियो यहाँ पर नहीं आया, और अगर हम उसकी बैकग्राउंड नॉइस भी चाहते हैं, या फिर बैकग्राउंड जो म्यूजिक है, या फिर बैकग्राउंड में जो कुछ भी है वो चाहते हैं, जो बैकग्राउंड एम्बियंस है वो चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ पर क्लिक करके, ये देखिए ऑडियो पार्ट है, यहाँ पर क्लिक करके हम इसको ले सकते हैं। बट हमें अगर नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, और हम इसके पीछे अगर कोई म्यूजिक लगाना चाहे तो म्यूजिक लगा सकते हैं। कैसे लगाना है म्यूजिक, फिर से वहाँ पर डबल टैप करेंगे उसी पर जहाँ पर हमने इम्पोर्ट किया था अपनी पहली फाइल को, तो यहाँ से हम कोई भी म्यूजिक ले लेते हैं। चलिए म्यूजिक लिया हमने यहाँ से, और इस पर डबल टैप किया, ये देखिए म्यूजिक आ गया यहाँ पर। अब कितना पार्ट हमें लेना है, इतना पार्ट हमने सिलेक्ट किया, और इतना पार्ट सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने उठाया यहाँ से और यहाँ पर लगा दिया। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ पर क्लिक करके इसके बराबर कर सकते हैं आप। और ये देखिए यहाँ पर एक ब्लैक लाइन आ गई है जो कि आपको बता रही है कि आपकी क्लिप जो आपने एक्सपोर्ट की थी वो उतनी ही है जितना ये सॉन्ग है। तो सुनते हैं कि सॉन्ग कैसे इसमें हुआ है। ये देखिए, तो गाइस दिस इज द मेन थिंग। ओके, एंड अब आपको रेंडर करना है। ये देखिए रेड लाइन यहाँ पर आ रही है, ये देखिए रेड लाइन यहाँ पर आ रही है। तो रेड लाइन प्रीमियर प्रो में क्या होता है, हमें बार बार रेंडर करना पड़ता है। जब यहाँ पर रेड लाइन आ जाती है तो हमें रेंडर करना पड़ता है। तो रेंडर के कई ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अगर आप अपने कीबोर्ड का एंटर बटन दबा देंगे तो रेंडरिंग होने लगेगी। तो चलिए एंटर दबाते हैं। ये देखिए रेंडरिंग स्टार्ट, और ये देखिए फिनिश हो गई। क्योंकि ये वीडियो क्लिप थोड़ी छोटी थी, 5 सेकेंड की वीडियो क्लिप है अप्रॉक्स, तो फिर जल्दी ही रेंडर हो गया, वरना टाइम लगता है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रीमियर प्रो में काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, लाइक ये देखिए अगर हम इस वाले पैनल को खोलें यहाँ पर, तो प्रीसेट्स, ल्यूमेट्री प्रीसेट्स एंड
ऑडियो इफेक्ट्स, ऑडियो ट्रांजिशंस, वीडियो इफेक्ट्स, वीडियो ट्रांजिशन, देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक एसेंशियल ग्राफिक्स, एसेंशियल साउंड, लिमिटरी कलर, लाइब्रेरीज, मार्कर्स, हिस्ट्री, बहुत सारे फंक्शंस एंड ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने वीडियो इफेक्ट्स में, वीडियो में, और फिर उसके बाद इफेक्ट्स कंट्रोल में जाकर हम उसे सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कैसे हम फाइल को, अपने क्लिप्स को कैसे इंपोर्ट करेंगे सीक्वेंस में। देखिए सीक्वेंस, अब आप पूछेंगे कि ये सीक्वेंस कैसे क्रिएट होता है, ये वाला जो सीक्वेंस है, यहाँ वाला ये सीक्वेंस, ये कैसे क्रिएट होता है। तो मेन चीज़ है सीक्वेंस यहाँ का, आप जब फाइल अपनी क्लिप एक्सपोर्ट यहाँ पर ड्रैग करेंगे तब अपने आप ही सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा, वरना यहाँ पर ये सीक्वेंस का ऑप्शन है तो इस पर भी आप जाकर सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर न्यू सीक्वेंस का ऑप्शन भी, फाइल में जाकर, न्यू में जाकर, ये देखिए सीक्वेंस कंट्रोल प्लस एन दाबकर न्यू सीक्वेंस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जिस प्रकार का आप चाहेंगे, जिस रेजोल्यूशन का, उस प्रकार का आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर लिया 1920x180, सो दिस इज अ बेस्ट फॉर यूट्यूब, सो यही हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो अब हम जानेंगे लास्ट पॉइंट, अब हमने इसमें कोई भी वीडियो इफेक्ट अभी अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि कहाँ पर कैसा वीडियो इफेक्ट और कैसे क्या कट लगाने हैं। ओके, तो अब हम सबसे मेन चीज़ जानेंगे कि हमें इस 5 सेकंड की क्लिप को अपने डेस्कटॉप में या फिर अपने पीसी में कैसे हमें इसे एक्सपोर्ट करना है। तो इसके 2 ऑप्शन है प्रीमियर प्रो में, आप कंट्रोल प्लस एम कर दीजिए, कंट्रोल प्लस एम। अगर आप कंट्रोल प्लस एम नहीं करते हैं तो फाइल में जाइए, नीचे ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए मीडिया कंट्रोल प्लस एम यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो पूरा आपके पास ये आ जाएगा, पूरा आ जाएगा कि कितने 7 MB का, देखो 5 सेकंड का वीडियो है तो 7 MB का, यहाँ पे सब कुछ पहले से सेट है। यहाँ पे आउटपुट नेम आप अपना जहाँ पर सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं, मैंने देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव कर रखा है, इसका नाम होगा MBI 1598। ओके, इस नाम से सेव होगा, सेव हो जाने दो इसको, वरना आप चेंज भी करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ओके, और एक्सपोर्ट पर यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। और ये देखिए 7 सेकंड की फाइल है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर, सो ये देखिए एक्सपोर्ट हो गई। यहाँ पर आप कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं और आप अपने प्रोजेक्ट को कट कर सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी कुछ भी करना चाहें, आप फिर से प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि प्रीमियर प्रो में शुरुआत में काम कैसे करते हैं, कैसे फाइल इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अन्य वीडियो में जानेंगे कि कैसे वीडियो इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं, वीडियो ट्रांजेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रैक मैट की कैसे यूज करते हैं, एंड ग्रीन स्क्रीन को कैसे हटाते हैं, ये सब अगली वीडियो में बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टाटा, शुक्रिया, धन्यवाद।